नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान तिवारी है और मैं चमोली जनपद के गोपेश्वर नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खल्ला गांव का निवासी, जहां पर माँ तानसिया की प्राचीन रथ डोली विद्यमान है। हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है और हमारी मंडल घाटी माँ अनसुईया की वजह से हर वर्ष यहाँ पर माँ अनसुईया का पवित्र मेले का आयोजन होता है, जिसमें कि माँ अनसुईया और उनकी सारी बहनें माँ अनसुईया नामक स्थान पर एकत्र होती हैं और सारे श्रद्धालुओं को दर्शन देती हैं, जिसमें कि प्रधान भूमिका खल्ला गाँव से माँ अनसुईया की डोली, उसके बाद बड़द्वारा गाँव से माँ ज्वालपा और देवलधार, सग्गर और कठूर नामक गाँव से माताओं की डोली आती है और अनसुईया में इनका मिलन होता है। दोस्तों, माँ अनसुईया का जो मंदिर है वो काफ़ी विश्वविख्यात है, क्योंकि ये मंदिर अपनी पवित्रता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और यहाँ पर ऐसा विश्वास माना जाता है कि यहाँ पर मन्नत मांगने से वो सब मन्नतें पूरी होती हैं। पुत्र प्राप्ति अर्थात बरोई लोग जो यहाँ पर आते हैं, उनकी मन्नतें यहाँ पर हमेशा से पूरी होती है और इस कारण से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा है। जहाँ तक मैं मंदिर की बात करूँ तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसकी जो बनावट है वो नागर शैली। अनसुईया नामक स्थान जहाँ पर कि अनसुईया मंदिर स्थित है, ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊँचाई पर। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ काफ़ी अच्छा एक रमणीक स्थान है, जिसे हम अत्रिमुनि स्थान या अत्रिमुनि आश्रम के नाम से जानते हैं, जो कि माँ अनसुईया से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अत्रिमुनि एक महातपस्वी और सप्त ऋषियों में से एक, जो कि माँ अनसुईया के पति के रूप में हम उन्हें जानते हैं। दोस्तों, हर वर्ष यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है जो कि दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर होता है। कहते हैं माँ अनसुईया ने सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सानिध्य में पाला था। Thank you.
रूप में अर्थात ब्रह्मा के रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। और तभी से जिस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ उसी दिन से यहाँ पर मानसिया के पवित्र स्थान पर मेरा लगता है। जहाँ तक मैं मंदिर के पूजन पद्धति के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जो पूजा व्यवस्था संभाली जाती है, यहाँ पर पूजा व्यवस्था मुख्यतः यहाँ के पुजारी लोगों द्वारा संभाली जाती है और यहाँ के पुरोहित लोगों द्वारा संभाली जाती है। जहाँ पर कि पुजारी प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं और उन्हें बदलने का कार्य पुरोहित लोग करते हैं। वर्तमान में यहाँ के पुरोहित डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी जी हैं और इसी तरीके से हर वर्ष की भांति यहाँ पर मेले का भव्य आयोजन होता है और मैं अवश्य चाहूँगा कि आप भी कभी ना कभी यहाँ दर्शन के लिए अवश्य आएँ। धन्यवाद।